हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो दोस्तों, ये होने वाला है स्क्वाड एडिशन का स्पेशल क्यू एंड ए वीडियो। दोस्तों, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां पर मैंने आपसे कहा था कि आप अपने 1500 क्वेश्चंस पोस्ट करिए, और आपने एकदम कमाल के क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं, और उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और उनके आंसर्स मैं दूंगा इस वीडियो में। तो जिन जिन के क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके नहीं हुए हैं वो उदास मत होइए। आप इस वीडियो के कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछिए और मैं जितने हो सके उतनों के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीक का जो क्यू एंड ए होगा वहां पर आप ट्राई जरूर करिए और आपके क्वेश्चंस शायद पिक हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय मोहनदास और ये है एक रैपिड फायर क्वेश्चन। जॉन मॉक्सली बैड एस वर्सेज रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ। ब्रॉक बीस्ट वर्सेज लार्ज सुलेवन मॉन्स्टर। ब्रॉक लेसनर बीस्ट। फिन बैलर डीमन किंग वर्सेज ब्रे वाइट द फिंड। ब्रे वाइट द फिंड। Otis Mr. Money in the Bank versus R-Truth 24/7 Champion. Bro, anything is better than Otis. So my answer is gonna be R-Truth 24/7 Champion. Jeff Hardy Willow versus AJ Styles the Phenomenal. AJ Styles the Phenomenal. Killer Cross Destroyer versus Keith Lee Limitless. Killer Cross Destroyer. Next question is by The Animal. Unka first question hai ki who is the best world champion of the decade 2010 to 2019. तो दोस्तों, ये पिक करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना आते हैं, सीएम पंक आते हैं एंड ब्रॉक लेसनर आते हैं, बट मैं पिक करूंगा ब्रॉक लेसनर को। इसलिए ब्रॉक लेसनर क्योंकि भले ही ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर है पर ब्रॉक लेसनर ने काफी ड्रॉ किया है। ब्रॉक लेसनर जब जब WWE चैंपियनशिप या यूनिवर्सल चैंपियनशिप कैरी किए हैं उन्होंने उस टाइटल को प्रेस्टीज लाई है और उनके ओपोनेंट को लिफ्ट भी किया है, और जो भी बंदा ब्रॉक लेसनर से लड़ा है वो बन चुका है स्टार। और जब भी WWE को जरूरत पड़ती है तभी ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं टू लिफ्ट द रेटिंग्स एंड टू प्रॉफिट द कंपनी। तो मेरे हिसाब से इस डेकेड का बेस्ट चैंपियन है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द मोस्ट करिश्मेटिक सुपरस्टार इन प्रो रेसलिंग। मोस्ट करिश्मेटिक की बात करें तो मेरे दिमाग में चार नाम आते हैं और वो है हल्क होगन, रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड जॉन सीना। बट इन चार में से अगर मैं पिक करना चाहूंगा तो मैं पिक करूंगा द रॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द वाइपर, ये पूछते हैं कि टेल मी टॉप 5 फेवरेट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। क्वेश्चन जरूर लेना। अगर मेरे टॉप 5 रेसलर्स की बात करें तो उनमें मैं कहूंगा ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, गोल्डबर्ग, हल्क होगन एंड द रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फीन बुबाई दिगर और वो पूछते हैं कि सर माय क्वेश्चन इज फर्स्ट Otis MITB cash in Roman Reigns is possible? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है yes, possible है एंड ये हमें बहुत जल्द देखने मिल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि Retribution versus Hurt Business, ये प्लान और अदर। तो भाई ये प्लान हो सकता है इन द बुक्स क्योंकि हमें देखने मिला है कि Retribution एंड Hurt Business के बीच में एक फ्यूड शुरू हो चुकी है। सो लेट्स सी कैसी होती है इनकी फ्यूड आगे कंटिन्यू। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज रॉयल रंबल विनर रॉक Not compete AJ Styles, Jinder या other। तो भाई अगर Rock compete नहीं करते हैं तो current जो rumors है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो Biggie जीत सकते हैं Royal Rumble 2021। So let's see कौन जीता है Royal Rumble next year। Next question is by Hanan Bhatt और वो ये पूछते हैं कि according to you who will be Roman Reigns' opponent after Jey Uso। तो भाई Jey Uso के साथ जो मैच है Roman Reigns की वो होगी Hell in a Cell में, और उसके बाद फिर जो पेपर व्यू आएगा वो है सर्वाइवर सीरीज। यहाँ पर अगर WWE ने चाहा तो चैंपियन वर्सेस चैंपियन की मैच हो सकती है, दैट इज यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर। और अगर ड्रू मैकइंटायर जीते हैं हेल इन अ सेल में तो ड्रू मैकइंटायर हो सकते हैं रोमन रेंस के ओपोनेंट, या फिर अगर चैंपियन वर्सेस चैंपियन नहीं करानी होगी विंस को तो हमें देखने मिल सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो हो सकते हैं रोमन रेंस के ओपोनेंट एट सर्वाइवर सीरीज। क्योंकि आपको पता ही है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने काफी अच्छा कंपटीशन दिया है सेथ रॉलिंस को रॉ ब्रांड में, और अब वो पहुंच चुके हैं स्मैकडाउन ब्रांड में अलोंग विद हिज फादर एंड इवन सेथ रॉलिंस भी वहां पर है। और आपको पता ही है कि रोमन रेंस एक तगड़े हील बन चुके हैं, तो अगर फेस की बात की जाए तो डोमिनिक मिस्टीरियो काफी अच्छे फेस है। तो हमें रोमन रेंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो की शायद फ्यूड देखने मिल सकती है बहुत जल्द फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय HBK टॉकिंग और वो ये पूछते हैं कि भाई भीख मांगता हूँ पिक माय क्वेश्चन। अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप।
एनीवेज ये एक रैपिड फायर राउंड है, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, एजेस साइज और रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा और ट्रिपल एच बटिस्टा, रॉक और ब्रॉक लेसनर, बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर, अंडरटेकर और जॉन सीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नोमान कुरेशी और वो ये पूछते हैं कि यश ब्रो, मैं आपसे नाराज हूँ, आप हमारा क्वेश्चन पिक ही नहीं करते। चलो बताओ, क्या रोमन रेंस वर्सेस द रॉक अब कंफर्म है, क्योंकि द फिंड ड्राफ्ट हो गए हैं द रॉ में और शेमस को कभी पुश मिलेगा? आंसर कर दो यश ब्रो। तो ये लो भाई, आपका क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया है। तो भाई बात करें आपके पहले क्वेश्चन की, क्या रोमन रेंस वर्सेस द रॉक अब कंफर्म हो चुका है क्योंकि द फिंड पहुंच चुके हैं रॉ ब्रांड में? तो भाई एक टाइप से ये फिक्स हो चुका है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक हो सकती है एट रेसलमेनिया 37, मतलब इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि अगर विंस चाहते तो फिंड वर्सेस रोमन रेंस रख सकते थे वो नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया में या फिर उसके पहले। पर अब जब फिंड रॉ ब्रांड में जा चुके हैं तो रोमन रेंस एंड रॉक के जो मैच है उसका रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक टाइप से कन्फर्म है अनटिल एंड अनलेस रॉक कुछ लास्ट मोमेंट पर डिसाइड करते हैं तो, क्योंकि रॉक काफ़ी बिजी पर्सन है, उनका जो हॉलीवुड करियर है वो उन्हें WWE में कम्पीट करने से थोड़ा सा प्रिवेंट करेगा। सो लेट्स सी क्या डिसीजन होता है रॉक का एंड विंस मैकमैन का। और भाई बात करें शेमस की, तो WWE वाले शेमस को अब अच्छे से पुश दे सकते हैं क्योंकि अब उन्होंने ब्रांड चेंज कर लिया है और अब वो इवन कम्पीट कर सकते हैं मिड कार्ड या फिर टॉप चैंपियनशिप के लिए। तो फिर देखना होगा कि उन्हें कौन सी परफेक्ट फ्यूड मिलती है इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई अंकित सक्सेना और वो ये पूछते हैं कि ब्रो, अगर रैंडी ऑर्टन हेल इन अ सेल मैच में ड्रू मैकइंटायर से हार गए तो आप ड्रू मैकइंटायर की मैच किसके साथ देखना पसंद करेंगे? फर्स्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन, सेकंड कीथ ली, थर्ड डाबा कैडो, फोर्थ फिंड, फिफ्थ ब्रॉक लेसनर। तो भाई इसका आंसर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन होते हैं या फिर द फिंड होता है तो काफ़ी मज़ा आएगा। अगर इन दोनों में से किसी एक को पिक करना चाहूँ तो मैं पिक करूँगा द फिंड को। ड्रू मैकइंटायर वर्सेस द फिंड फॉर WWE चैंपियनशिप, ये एकदम जबरदस्त मैच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हितेन धाल और वो ये पूछते हैं कि ब्रो, फ्यूचर में जैसे अली अपनी फैक्शन लाए हैं तो वैसे ही जिंदर महाल, इंडस शेर और महाबली शेरा की फैक्शन बना सकते हैं अगर महाबली शेरा WWE में आते हैं तो? तो भाई पहली बात तो ये है कि महाबली शेरा का WWE में आना थोड़ा सा मुश्किल है, कि महाबली शेरा को आखिर क्यों निकाला गया इसका रीज़न अब तक सामने आया नहीं है। ज़रूर बैकस्टेज पॉलिटिक्स की वजह से महाबली शेरा को निकाला गया होगा WWE से, बट अगर कुछ मिरेकल होता है एंड महाबली शेरा को वो लोग साइन करते हैं तो फिर हमें देखने शायद मिल सकता है कि इंडस शेर, चिंदर महाल एंड महाबली शेरा की एक फैक्शन बन सकती है WWE में, जस्ट लाइक रेट्रीब्यूशन। एंड ये एक ऑफकोर्स हील फैक्शन होगी, क्योंकि उन्हें दूसरे जो नेशनलिटी के लोग हैं उनको हील बनाने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि उनको पसंद है फॉरेन हील्स। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। अगर महाबली शेरा नहीं भी आते हैं WWE में तो मैं ये चाहता हूँ कि जिंदर महाल के साथ इंडस शेर टीम ज्वाइन हो जाए और तबाही मचा दे WWE में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रेसलिंग किंग और वो ये पूछते हैं कि दिस ईयर सर्वाइवर सीरीज 2020 रॉ विल डिस्ट्रॉय स्मैकडाउन एंड NXT बिकॉज रॉ हैव मोर स्टार पावर लाइक ड्रू मैकइंटायर, रैंडी ऑर्टन, कीथ ली, ब्रॉन स्ट्रोमैन, डाबा कैडो, शेमस, द फिंड, ब्रॉक लेसनर एंड स्मैकडाउन हैव ओनली रोमन रेंस एंड लार्ज सुलेवन। तो भाई यहाँ पर स्टार पावर मैटर नहीं करती है, क्योंकि लास्ट ईयर के सर्वाइवर सीरीज की बात करें तो जो ब्रांड जीता था वो था NXT एंड ऑफकोर्स ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच में स्मैकडाउन जीती थी और रोमन रेंस ने पिन किया था कीथ ली को। बट अभी बात की जाए तो यहाँ पर ऑफकोर्स रॉ की टीम काफ़ी डोमिनेटिंग लग रही है, बट इन दी एंड सारा कुछ डिपेंड होता है बुकिंग के ऊपर। अगर आपके पास एक टीम में मिजेट्स है और वो अंडरडॉग वाले तरीके से बुक होते हैं तो वो कितने भी स्टार पावर वाली टीम होने दो ऑपोजिट वाली, वो उन्हें हरा सकते हैं। बट अगर ऑन पेपर देखा जाए तो रॉ की जो टीम है वो काफ़ी तगड़ी है, तो इस बार जो है रॉ का जो डोमिनेंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा एंड मे बी इस साल रॉ ब्रांड की टीम जीत सकती है सर्वाइवर सीरीज मैच, एंड मे बी पूरा जो सर्वाइवर सीरीज का इवेंट है वो भी शायद रॉ टीम जीत जाए, हु नोस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द क्वेश्चन इज फ्रॉम बसी अहमद और वो ये पूछ रहा है कि क्या हेल इन अ सेल में लार्ज सुलेवन रोमन रेंस पर अटैक कर सकते हैं? तो भाई इसके ज़्यादा चांसेस है कि लार्ज सुलेवन जो है वो रोमन रेंस पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि लार्ज सुलेवन जो है वो एक हील है और वो रोमन रेंस पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि रोमन भी हील है अभी। क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल
लार्ज सुलेवन जो है वो मिडकार्ड सुपरस्टार को तोड़ेंगे और किसी सुपरस्टार के साथ सिंगल्स फ्यूड करके खुद को स्टेबल करेंगे पहले WWE में, उसके बाद फिर वो अप्रोच कर सकते हैं मेन टाइटल पिक्चर में। तो मुझे नहीं लगता कि लार्ज सुलेवन रोमन रेंस पर अटैक कर सकते हैं हेल इन अ सेल में, बट हाँ लार्ज सुलेवन एंड रोमन रेंस सेम ब्रांड में है तो हमें इनके बीच में कोई ना कोई फ्यूड देखने मिल सकते हैं इन द कमिंग टाइम। सो लेट्स सी कब होती है इन दो बैड एसेस के बीच में फ्यूड, एंड अगर इनकी फ्यूड होती है तो कौन होता है डोमिनेंट एंड कौन जीतता है ये फ्यूड को। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है हमारा Q&A वाला सेशन। नेक्स्ट वीक फिर से Q&A वाला वीडियो होगा। अगर आप में से किसी के क्वेश्चंस मिस हुए हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना हो सके उतने के आंसर देने की कोशिश करूंगा। और जो नेक्स्ट वीक के Q&A वाला वीडियो होगा उसके लिए आप पूरी तरह से कोशिश करिए कि आपका क्वेश्चन पिक हो जाए और पोस्ट करिए एकदम ढासू क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा हमारा ये आज का स्पेशल Q&A वाला वीडियो, एंड सेकेंड आप कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट वीक के Q&A वाले स्पेशल वीडियो के लिए। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।